दिवाली खुशियों का त्यौहार है, इसे कैसे सुरक्षित मनाएं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है एम्स के बर्न एवं प्लास्टिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर मनीष सिंघल। सर, कई बार देखा जाता है कि दीपावली के वक्त थोड़ी सी लापरवाही गंभीर चूक बन जाती है, तो क्या करना चाहिए लोगों, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, दिवाली पे एक पटाखे जो एक ऐसी चीज है जिसमें कि काफी गंभीर इंजरी हो सकती है पटाखों से। जो पटाखे हम सेफ समझते हैं जैसे कि अनार और फुलझड़ी, वो भी उतने अनसेफ हैं जितने कि बाकी पटाखे हैं। जैसे अनार है, उससे आंखों में और हाथ में बहुत इंजरी होती है। फुलझड़ी से जो गर्म उसकी फुलझड़ी की रॉड है, वो किसी को लग सकती है, किसी के पैर में लग जाती है। ये बहुत ही कॉमन इंजरी है। अभी आप देखेंगे कि पिछले कई सालों से सरकार ने पटाखों का बैन कर दिया है, बड़ों की निगरानी में, और ब्रांडेड और सेफ पटाखे, और इधर उधर के जो हल्के इम्पोर्टेड या कुछ ऐसे पटाखे हैं जिनमें कुछ ब्रांड उनको आइडेंटिफाई नहीं होता है, सस्ते के चक्कर में उनको ना लें। रॉकेट जो है सडनली किसी घर में घुस जाता है, पर्दे में घुस जाता है, और लोग अब सोसाइटियों में भी मनाते हैं सामूहिक रूप, तो उनके लिए क्या प्रिकॉशन बरतनी? देखिए, रॉकेट का ऐसा है कि रॉकेट एक ऐसी चीज है जो कि एक स्पीड से जाती है और डायरेक्शन की सारी बात है। प्रॉपर खाली हवा में डायरेक्शन आप रखेंगे जहां पे वो डाइवर्ट नहीं हो सकता किसी चीज से टकरा के, और छोटे बच्चों को कभी कभी डायरेक्शन का आइडिया नहीं होता। बोतल कभी छोटी होती है, कभी बड़ी होती है, उसे भी लोगों को आइडिया लगता है। कुछ लोगों को शौक होता है उसको सीधा करके चलाने में, उल्टा करके चलाने में, या उसके साथ कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें कुछ बांध देते हैं, कुछ हैवी चीज बांध देते हैं तो उससे डाइवर्ट हो जाता है। तो इस तरीके की चीजें नहीं करनी है। पटाखे में उसकी विधि भी मेंशन होती है, तो उसी विधि से उसको बड़ों की निगरानी में अगर हम सेफली को जलाएंगे तो ऐसा कुछ इशू नहीं है उसमें, प्रोवाइडेड हम सेफ्टी से उसे जलाएं। आग लग जाए तो इमीडिएटली फर्स्ट एड के एंगल से पानी रहता है, तो इमीडिएटली हमको पानी उस पर अप्लाई करना चाहिए जहां पे बर्न होता है, उससे बर्न की इंजरी, बर्न की डेप्थ कम हो जाती है। अगर जलने के बाद क्या करें, कितने देर तक पानी में रखना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, जलने के बाद जो पानी में रखने का है, तो अगर माइनर बर्न है जिसे कहते हैं कि थोड़ा बहुत जला है, तो हम एडवाइस होती है 20 मिनट आप पानी के कॉन्टेक्ट में रखें। ठंडे पानी की एडवाइस हम नहीं देते हैं, हम नॉर्मल पीने जो पानी आप पी सकते हैं उसी को हम एडवाइस करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे दीपावली में लोग? संदेश ये, खुशियों का त्यौहार है और आपके घरों में खुशियां आए और आप अच्छे से एंजॉय करें, लोगों से मिलें और परिवार के साथ रहें। लाइट्स का त्यौहार है और लाइट में भी ध्यान रखें कि लोकल जो लाइट्स है उसमें करंट बहुत लगता है और उससे भी बहुत इलेक्ट्रिकल बर्न होते हैं, और अच्छे से मनाइए। कैमरामैन हरविंदर सिंह के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़।